बहुत है इसकी। और कमरा धीरे धीरे निकलते हुए ईस्ट और वेस्ट, बीआरओ इज द बेस्ट। तो गाइस शिंकला पास को हम करते हैं बाय बाय और अब हम जंस्कार वैली में एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम शिंकला पास को क्रॉस करते हैं और जंस्कार वैली शुरू हो जाती है। जो शिंकला पास है वो गेटवे ऑफ जंस्कार है और लास्ट पिछले 2 साल पहले ही ये रास्ता खुला है और आप देख पा रहे होंगे इसको हम रास्ता कह रहे हैं लेकिन ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस रास्ता है और मेरे चारों तरफ ग्लेशियरी ग्लेशियर हैं अभी इस समय और सड़क पे पानी पानी है। इस टाइम वाटर क्रॉसिंग दबा के हैं और देखिए कितने पत्थर पड़े हुए हैं चारों तरफ। तो बड़े ध्यान से हमें फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे ही उतारना पड़ेगा और जितना हम बाइक को उतारते हैं पहाड़ से माउंटेन से कोई भी माउंटेन से तो बड़े ध्यान से उतारना पड़ता है। आप इंक्लाइन करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है बाइक में लेकिन उतारते समय बड़े ध्यान से, कभी भी बाइक स्लिप मार सकती है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है भाई। तो ये देखिए यार रास्ता देखिए, इसको रास्ता कहेंगे बड़ा समझ नहीं आ रहा। ये सोने पर सुहागा हो रहे हैं क्योंकि रोड पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और ऊपर से पानी, भाई वाह। और नज़ारे तो यार उतरते समय भी बहुत ही शानदार नज़ारे हैं चारों तरफ। और काम तो चल ही रहा है 2 साल से इस रास्ते का क्योंकि 2 साल पहले ही रास्ता बना है। तो 4-5 किलोमीटर के बाद लखांग कोई जगह आएगी, वहाँ पे बताया कि एक ढाबा है तो वहाँ पहुँच के हम चाय पानी थोड़ा पियेंगे। काफ़ी देर सुबह से हम चले पड़े हैं किलोंग से तो लखांग हम अपना एक छोटा सा स्टे लेंगे। बाप रे क्या हुआ है, कहाँ से जाओगे? ऊपर से, ऊपर पत्थर ज़्यादा होंगे हैं, पीछे आओ धक्का मारो निकलती है। एक ही झटके में निकालनी पड़ेगी, तो पकड़ पकड़ के निकल रहा है। पैर भीग जाएंगे ये पूरे पूरे गीले होंगे ऊपर से, या तो ऊपर से निकालते हैं, ऊपर से निकालते हैं फिर, ऊपर पत्थर बड़े बड़े हैं। यहाँ देख, यहाँ 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 से निकलेगी, उसके साथ साथ रहे एक बार। और मैं निकालता हूँ पहले, ठीक है, पीछे देखना फिर अगर रुकेगी तो, पीछे देखना है जब होलेगी। जब बोलेगी आ निकल गई। तो दोस्तों ये देखिए खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, इसने कम से कम आधा घंटा हमारा ख़राब कर दिया। बड़ी हिम्मत करके पहले सबसे पहले मैंने अपनी बाइक निकाली, फिर यशराज भाई ने निकाली, फिर मैंने तीसरी बुलेट भी मैंने ही निकाली। ये देखिए हाँ फर्स्ट हो गए हैं, बहुत हिम्मत चाहिए यार, बहुत तेज फ्लो है इसमें और गहराई भी ज़्यादा थी। तो आगे देखते हैं और क्या क्या एक्सट्रीम एडवेंचर देखने को मिलेगा, चलते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए सामने व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार। भाई साहब जिसने जंस्कार नहीं किया ना, कुछ नहीं किया, फट के हाथ में आ चुकी है अभी तक। इतनी वाटर क्रॉसिंग्स और रोड तो है ही नहीं है, फुल ऑफ रोडिंग, बुरा हाल हुआ पड़ा है। ओहो हो, 110 किलोमीटर कवर करने में हमें 7-8 घंटे, सिर्फ 110 किलोमीटर। तो दोस्तों प्लीज़ यार इस बात पे एक लाइक कर दो यार, दबा दो। और कोई मेरा नया व्यूअर्स है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
तो गाइस हम लखांग के एक ढाबे पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे और चाय पानी पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। आप आ रहे हो जा रहे हो? कहाँ रुकोगे आज? कर गया। अभी तक तो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है और जो हम शिंकुला पास से उतरे हैं बहुत ही ख़तरनाक उतरा है अभी तक। और ये 5-7 किलोमीटर बाद एक टी स्टॉल आता है, तो यहाँ पे अभी हमने ब्रेड ऑमलेट और कॉफ़ी पी है। तो हमारी सारों की बाइक्स खड़ी हैं। और एक और चीज़, अभी हमने रिवर के अंदर से क्रॉस करना है। आपको वो जेसीबी नज़र आ रही है, वो रास्ता बना रही है। बहुत तेज हैवी फ्लो है पानी का, जिसकी वजह से बाइक्स का क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। बता रहे हैं यहाँ पे, ये लोकल बता रहा था कि ट्रॉली पे बाइकें लोड कर करके पार कराया ये नदी को, और 4,000 पे लिया ट्रॉली वाले ने। ये देख लो, ये हाल है। चलते हैं आगे, देखते हैं यार क्या होता है। अभी तक का सबसे ख़तरनाक राइड हो रही है मेरी, एक्सट्रीम राइड हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम जस्ट कार बाइक राइड 2021 है, ये पूरी एक्सट्रीम राइड हो रही है। भाई साहब नदी के अंदर से निकल रहे हैं, कुछ पता नहीं कब कहाँ। हाय हाय, नदी नाले सब क्रॉस कर रही है बाइक हमारी। डोमी देखो, ये नदी को क्रॉस करना पड़ेगा हमें। आगे देखिए वो जेसीबी लगी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। हल्का सा भी कोई वर्कआउट करते हैं सांस चढ़ जाता है। ये देखिए ये रास्ता बनाते हुए जेसीबी। बहुत गहरी थी, मैंने बहुत अंदर ले ली। और बहुत ज्यादा गहरी है वहाँ पे। अरे यहाँ तक पानी। हाँ बहुत बुरा हाल है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये देखो कैसे वाटर क्रॉसिंग से बाइकें निकाल रहे हैं यहाँ के लोकल। हमारी सभी बाइकें निकल गई हैं, और कल ट्रॉली पे बिठा के 4,000 रुपए में बाइकें निकाली थी। चलो चलो, बहुत बढ़िया यार, सभी का हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया। मर गया पैर। चलो चलो तो गैस कर गया है ना, ये कर गया में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे टेस्ट करा के फिर आगे निकलेंगे आराम से। तो गैस हमारी जो एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव आई है तीनों की, तो अब हम आगे जा सकते हैं। तो अभी हमने जाना है पूर्णिया में, और पूर्णिया में 1 घंटा लगने वाला है। आपका नाम क्या था? सोनम भाई ने टेस्ट किए हैं हमारे, और तीनों के नेगेटिव आए हैं। रोज़ कितने टेस्ट हो जाते हैं? रोज़ होता है एवरेज 50 हो जाते हैं। अभी पीछे अभी और आ रहे हैं बाइकर, पीछे 8-10 बाइकर आ रहे हैं। चलते हैं। तो भाई साहब एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है, आना ही था, क्योंकि इस समय कोरोना तो ज़्यादा है नहीं, और वैसे भी मैंने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं। अरे बाप रे, पथरीला हो डांसिंग क्या यार, क्या घटिया रोड है, इनको तो रोड कह ही नहीं सकते। उफ। तो गाइस वो पीछे माउंटेन देख रहे हैं, उसको हम क्रॉस करके आ गए, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा ना, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा। वो पीछे पहाड़ था जहाँ पे मैं हमने फ़ोटोग्राफी करनी थी, नाम तो मैं नीचे आ रहा होगा आपको। हैं क्या बोल गया ना,
नदी क्रॉस करी शायद वहीं पे पहाड़ था वो। तो गाइस ये व्यू देख लो सामने और ये रोड देख लो, बाप रे बिल्कुल बैलेंस नहीं बन रहा, इतनी गंदी रोड, इससे अच्छा था प्लेन रोड थी। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, मैंने पहले ही बता दिया कि अभी पुणे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आज स्टे लेंगे और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, टोटे टोटे कहते हैं ना। और देखो सुबह 10 बजे से चल रहे हैं और 4:30 हो गए हैं, 5-6 बजे से पहले ही नहीं पहुँचेंगे, मतलब कि 8 घंटे में 110 किलोमीटर हमने आज कवर करेंगे। तो गाइस 5 बज चुके हैं और अभी तक पुणे का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। और ये रूट मुझे जब मैं चुसूल से हनले गया था वो सेम उसकी याद दिला रहा है, वैसे ही सेम था। यहाँ पे रास्ते नहीं है, साला पत्थर ही पत्थर, लेकिन वहाँ वाटर क्रॉसिंग नहीं थी, यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग ने तो जान ले ली है। तकरीबन 30-40 वाटर क्रॉसिंग तो क्रॉस कर चुके होंगे हम, मेजर है 4-5 फाड़ू। ओले बाप रे, वाटर क्रॉसिंग खाएंगे ये तो मेरे को, अरे बाप रे भाई साहब, आज तो पानी के अंदर है घुस घुस के। नानी याद आ गई, याद आज की राइड याद आएगी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पुणे गांव में, ये है पुणे विलेज। और अब यहाँ पे देखते हैं रहने का, एक पंगा हो गया है, अमित भाई आगे निकल गए हैं पदुम का सोच के, अब पता नहीं कब आएंगे, कब मिलेंगे, वापसी आएंगे नहीं आएंगे, समझ नहीं आ रहा। समय हुआ है 7:45 और ये हमारे दोनों टेंट लग गए हैं। ये ईगल का टैंक है, ये तो जुगाड़ करके लगा, इसका आइडिया पता ही नहीं चल रहा कैसे लग रहा है, कैचुए का तो हमें पता था, हमने लगा दिया था फटाफट। तो अब सामान रख के अंदर, अब सोने की तैयारी है, अब सिंगल का कैंप है, अब एक बंदा एक्स्ट्रा है, देखते हैं या तो एडजस्ट करते हैं अंदर, नहीं तो एक बंदा अपना होम स्टे लेगा तो ये होम स्टे में सोएंगे। आज का जो भी व्लॉग है आपको कैसा लगा है मुझे एक कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह पूरा एडवेंचर आप देखते रहेंगे हमारे आगे आने वाले एपिसोड में। व्यू देख लीजिए, पुणे में सिर्फ ये 2-4 घर ही हैं बस, इसी का गांव कहते हैं पुणे। अभी मैं सो रहा हूँ होम स्टे में, हमारे अमित भाई और राज भाई सो रहे हैं टेंट में, क्योंकि एक एक सिंगल पर्सन का ही टेंट है, उसमें सामान ही इतना आ गया कि आदमी की भी जगह नहीं बचती, हमारा सामान ही इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत बुरी हालत है। इतनी हैट्रिक राइड थी ना आज, सबसे ख़तरनाक राइड हुई है आज तक की मेरे 3-4 साल में जितनी राइड करी है। कम से कम 20-25 वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस करी हैं, आपने देखा ही होगा। कल का मैं प्रोग्राम बता दूं, कल फुटकर मोनेस्ट्री है यहाँ पे, तो मैं तो देखने जाऊंगा और 5 घंटे का हमारा आना जाना ट्रैक हो जाएगा और 1 घंटा हम वहाँ पे लगा देंगे, टोटल 5 घंटे में हम आ जाएंगे और उसके बाद फिर पदुम के लिए निकल जाएंगे, तो स्टे करेंगे फिर पदुम में। तो कल का ये प्रोग्राम है। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक ज़रूर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।